अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलीम तेजानी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की सियासत में और एक धमाका हुआ है, और क्या हो रहा है मुल्क में, दुनिया में तमाशा बना हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज पता चला है और बड़ा जलजला सा हो गया है सियासी मैदान में, सारी पार्टियों के बीच में, और हुकूमत निगरान हुकूमत के लिए भी ज़रा बहुत तश्वीशनाक बात हो गई है। तो सदर अलवी का जो ट्वीट आया उसके ऊपर बहुत मसले खड़े हो गए हैं उधर, और बहुत आगे जाके बड़ी तश्वीशनाक सूरत हो सकती है। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने जो दो बिल मंजूर हुए थे उस पर उन्होंने दस्तखत किए ही नहीं। तो कौन साजिश कर रहा है प्रेसिडेंट हाउस में, सदर के ऑफिस में, कौन किसी ने साजिश की है या कुछ तो हुआ है। अब ये चक्कर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जाना चाहिए, क्योंकि इसकी बाकायदा तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई है। दुनिया में अपना मजाक बना हुआ है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एक चीज़ नहीं ख़त्म हुई है, अब दूसरा धमाका, वो ख़त्म नहीं हुआ। ये मुल्क चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं? वो आर्मी ऑफिशियल आर्मी एक्ट का जो बिल था, वो कह रहे हैं कि वो नहीं, उन्होंने दस्तखत किए, और पार्लियामेंट वाले कहते हैं कि वो बिल तो पास हो चुका है, वो तो अब पुराना हो गया। वो दिन जब 10 दिन के अंदर जब दस्तखत करके नहीं आता है तो खुद ब खुद बिल एक आईन बन जाता है, उसके तो कानून बन जाता है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत पैदा हो गई है। देखें आगे क्या होता है, इसकी बताएंगे हम आपको सिचुएशन। मगर दूसरी खबर ये आई है, और ये मंसूर अली खान ने बताया कि उन्होंने अपने वीलॉग में बताया था कि मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज और राणा सनावाला, ये तीनों इमरान खान को देखने गए, मिलने गए जेल में। इमरान खान जेल के उस तरफ, ये तीनों इस तरफ, और मंसूर अली खान ने बताया कि उन्होंने मरियम नवाज ने थूका जमीन पे उसको, इमरान खान को देखकर, और उससे कहा कि भाई तुमने जो हमारी मट्टी पलीत की है, हमारी जो बेइज्जती की है, हम उससे ज़्यादा तुमको बेइज्जत करेंगे, और हम बिल्कुल ही तुम्हें आने ही नहीं देंगे बाहर, और बहुत सारी ऐसी बातें की। तो इमरान खान का जवाब सुने आप, एक जवाब, सिर्फ एक लाइन इमरान खान ने कही कि अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, बस, और कुछ कहा ही नहीं। और ये मंसूर अली खान ने बताया कि जैसे ही वो उनसे मिलके वापस आ रही थी तो उनका पांव मुड़ गया और वो गिर गई। अब देखें वहीं पे उनको सजा मिल जाती है ऐसी हरकत करने पे। ये थोड़ा छिछोरापन हो जाता है जो ये हरकतें कर रहे हैं और जो इनकी लैंग्वेज है। मगर समझ में नहीं आता है कि सारे चोर उचक्के हुकूमत में हैं। निगरा, अगर आप निगरान वजीर आजम का भी देखें तो उस 2 साल पहले उन पर नैब ने कुछ उन लोगों ने केस लगाए थे नैब ने, कि भाई इनकी आमद से ज़्यादा इनकी जायदाद है, तो उसके लिए वो लोग केस चल रहे थे। अब जैसे ही ये आए केस ख़त्म हो गया, दूसरे दिन ही केस ख़त्म हो गया। तो ये क्या हो रहा है मुल्क में, ये इस तरह मुल्क चलेगा, कैसे चलेगा, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत अजीब सिचुएशन है मुल्क में, हमारा मुल्क है मगर जाने को दिल नहीं होता, दिल उठ गया है। और पहले हम एक्साइटेड होते थे, जब पाकिस्तान जाने की बात होती थी तो महीने पहले से तैयारी करते थे, शॉपिंग करते थे, ये इसको देना, ये दिल ही नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में कदम रखने का ही दिल नहीं हो रहा है। ये इन्होंने क्या हालत कर दी है मुल्क की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर अच्छा, और बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए शहबाज शरीफ पहुंच गए हैं लंदन, और पीछे उनके साथ उनके बेटे भी पहुंचे हैं, और फिर मरियम नवाज भी वहां पर जाने वाली है। तो वहां पे सारी मीटिंग्स होंगी कि किस तरह आना है और क्या केसेस हैं, और किस तरह वहां पे वहां से इस तरह अगर आएंगे पाकिस्तान तो कुछ मसला ना हो। तो ये सारी चीज़ें लंदन में, वैसे भी हर चीज़ तो लंदन में ही डिस्कस होती है, तो इसका भी फैसला लंदन में ही होगा कि वो कब आ रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि नौजवानों, नौजवानों से खिताब होके कहा, नौजवानों आप तैयार हो जाओ, नवाज शरीफ आपके दरमियान होंगे, बहुत जल्द आपके दरमियान होंगे। और
ये लोग इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि जैसे कोई तीर मार के आ रहा है नवाज शरीफ, जैसे कोई कोई बड़ा कारनामा करके आ रहा है नवाज शरीफ, भगोड़ा है, मफरूर है, वो आ रहा है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, मतलब बाकायदा कोई जंग फतेह करके आ रहा है, क्या किया है उसने, नवाज शरीफ ने क्या किया है ये मुझे आप बताएं। नवाज शरीफ भगोड़ा मफरूर मुल्क वापस आ रहा है और उसके लिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये अपने मुल्क की हालत है, अल्लाह ही हाफिज है। अब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन 3 महीने में नहीं होंगे, पता ही था ये तो नहीं होने वाले हैं, नून लीग चाहती ही नहीं है कि इलेक्शन हो, और पीपल्स पार्टी बोल रही है कि नहीं वक्त पे होने चाहिए क्योंकि उनको तो सिर्फ सिंध चाहिए और वो उनको मिलेगा, मगर नवाज शरीफ को पूरा मुल्क चाहिए, तो उनको अब इंतजार करके उन्होंने क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की है जिससे वो इलेक्शन में जीत सके, कोई रिमार्केबल कोई कोई भाई काम ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से उनको वोट पड़े और पब्लिक याद रखे कि नहीं ये नून लीग ने ये किया, कोई ऐसी बात नहीं कही है, पिछले 18 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो वो चाहती है इलेक्शन ना हो, निगरान भी उनके ही आदमी है। अब मैं आपसे एक और चीज बताना चाह रहा हूं, इलेक्शन को आप भूल जाएं, इलेक्शन अगले साल भी नहीं होने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इलेक्शन करवाने ये निगरानी चलेगी, पीछे से वो चलेंगे चोर उचक्के और आगे निगरान जो होगा वो करती जाएगी और इसी तरह चलेगा। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना होता है, बाकी ये मुआशी सूरत हाल और ये मंसूबे ये उनका काम नहीं होता है, निगरान केयर टेकर है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और 90 दिन में होने चाहिए, वैसे तो 60 दिन में, मगर इन्होंने जल्दी असेंबली डिसॉल्व कर दी तो उसकी वजह से 90 दिन में हो गए, अब 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, मगर नहीं, हल्का बंदी हो रही है, नहीं मर्दुमशुमारी हो रही है, ये सब बहाने हैं, इलेक्शन होगा ही नहीं, ऐसे ही चलेगा मुल्क, और देखते रहिए आगे देखिए क्या होता है, और ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे, छोटी छोटी अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे, और अगले एपिसोड में मिलते हैं, सलीम तेजानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।